टीम इंडिया के पूर्व शानदार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने हाल ही में ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। जी हां, आपको बता दें कि युवराज सिंह ने साफ कहा कि इस बार T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए टीम इंडिया में कप्तान बदलने की जरूरत है। बता दें आपको कि युवराज सिंह ने अपने संन्यास को लेकर भी कई खुलासे किए। बड़ी बात यह है कि युवराज सिंह सीधा सीधा इशारा कर रहे थे कि उन्हें जबरदस्ती टीम से ड्रॉप किया गया था। युवराज सिंह ने यह भी कहा कि विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं जिसकी वजह से वर्कलोड ज्यादा है, और अगर वर्कलोड ज्यादा हो रहा है तो रोहित शर्मा को टीम इंडिया का नया कप्तान बना देना चाहिए, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में तो जरूर ही। युवराज ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भी टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और रोहित ने खुद को एक कप्तान के तौर पर प्रूव किया है। ऐसे में रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी ही जानी चाहिए। युवराज सिंह ने अपनी बातों ही बातों में विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट पर जमकर निशाना साधा। युवराज ने यह भी कहा कि अगर आप किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करते हैं तो उन्हें कम से कम बताया जरूर जाना चाहिए, उनके साथ आप धोखा नहीं कर सकते। युवराज सिंह ने अपने संन्यास के बाद इस तरह का ऐलान करके टीम इंडिया की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि भारतीय क्रिकेट का असली चेहरा हमने कई बार देखा है, कई बार अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को प्रदर्शन होने के बावजूद ड्रॉप कर दिया जाता है। अब देखना है कि युवराज के इस सलाह के बाद क्या यहाँ पर रोहित को कप्तान बनाया जाता है या फिर विराट कोहली ही कप्तानी करते हैं। युवराज सिंह ने तो ये साफ कह दिया है कि भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों को ड्रॉप करना एक प्रथा सी बन गई है, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करना एक प्रथा सी बन गई है। अब देखना है कि इस मामले में और क्या नए खुलासे होते हैं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।